पाकिस्तानियों को क्या पिलाए भाई। मजा आ गया यार। भाई तुम लोग तो यार अफगानिस्तान से कितना पीछे हो भाई। भाई 191 10 बंदा गया साला। तुम लोग मतलब फिर बोलते बाबा राजा क्या खेलता है, क्या बॉलिंग करता है, सबको तो मतलब यार कान सूख जाता है। भाई इंडिया तो तुम्हारा बाप है, तुम तो जानते भी नहीं हो, जानते हो बट मानते नहीं कभी। बट तुम लोगों को दे दिया ना भाई, इतना अच्छे से मतलब तेल लगा के पिछड़ में घुसा दिया ना। मजा आया ना। और भी मतलब मजा देना है तो भैया थोड़ा रुक जाओ। शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों की धमक से स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है। अच्छा, और वही हुआ जिसका डर था। वर्ल्ड कप में भारत की तीसरी जीत हो गई है। जबरदस्त, भारत ने ये जीत हासिल करी है। आई कंग्रेचुलेशन टू वर्ल्ड नंबर वन ओडीआई बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबर आजम की जारहाना फॉर्म से भी इनका मुकाबला। और बाबर आजम भाई, वो बाबर आजम भाई। गान में उंगली डाल के ना सो जाओ, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो हेलो गाइस, मैं रोबेन, आप लोग देख रहे हैं लव लॉर्ड यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग भाई, क्या देख लिया आज? मतलब इंडिया पाकिस्तान का गेम प्ले हुआ था भाई। हम तो साला घर पे मतलब बैठ बैठ के साला गेम देख रहे थे यार, इतना हंस रहे थे साला। एक एक मतलब बंदा आउट हो रहे थे यार सबका। मतलब यार गांड का जो हालत है ना भाई, वो पूरा सूज गए थे, समझ रहे हो। इंडियन देखो यार, पाकिस्तानी हो तो यार ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा बात बोला था इंडिया में आके। मतलब अच्छा से वेलकम किया है हमारे इंडियन लोगों ने, ठीक है। और हैदराबाद में जो हुआ था ना भाई, उसको मतलब सच बोले तो ऐसा तरह का लोगों को मतलब गांड में साला गोली डालना चाहिए था, ठीक है। बट यार क्या ही बताएंगे यार, बहुत ही दुख की बात है हमारे इंडिया के अंदर। मतलब यार वो लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। जो जो लोग कर रहे हैं भैया, थोड़ा देख के करो, ठीक है, क्योंकि यार सबका टाइम आता है। ओके, तो अभी फिलहाल जो इंडिया जीता है ना, उन लोगों का कांड में अभी फिलहाल दर्द हो रहा है। जो इंडिया के में रह के मतलब यार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का कांड में अभी फिलहाल बहुत ही दर्द हो रहा है। अभी फिलहाल बहुत लोग उंगली करेगा, भैया ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम है, इसके प्रॉब्लम है। देखो यार, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बट यार पाकिस्तानियों को समझते नहीं है भाई। वो लोग साला खुद का मतलब पैसे से चड्डी एक खरीद नहीं पाता है, साला इंडिया के ऊपर उंगली करने के लिए आता है। देखो यार, इधर में वो लोग आया है, खाना मतलब उसको नहीं मिल रहे थे सही से, ठीक है। मतलब वो लोग जो चीज़ खाना चाहता है, देखो यार तुम लोगों को मतलब यार घर पे जो भी तुम खाते हो, ठीक है, वो साला तुम बाहर में मत मिलता है क्या? बाहर में तो अच्छा चीज़ मिलता है ना, तुम्हारे ऐसा गंदगी तो नहीं खा के हमारे इंडियन लोग जिंदा तो रहता नहीं है ना। इसलिए मतलब इंडिया इतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। तुम लोग साला किधर में मतलब यार गटर में पार के बैठे हो। और अभी फिलहाल बोलो यार, जो चीज़ तुम खाओगे उसको ही तो मतलब यार उसका ही चीज़ का दिमाग का तुम्हारा अंदर हो जाएगा ना। तो यार समझ करो यार, थोड़ा समझ करो यार। इंडियन बीसीसीआई जो मतलब ऐसा तरह का ट्रीटमेंट दिया ना, ऐसा तरह का नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इन लोगों का मतलब यार गटर का खाना देना चाहिए था, बट क्या ही करेंगे यार। देखो मेहमान है ना, तो अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो यार वो लोग बुरा समझेगा, क्योंकि यार कुछ दिन के लिए आया है इंडिया में आ गए, ठीक है। वो लोग इतने दिन से मतलब भूखा है, तो कुछ तो खाना पीना तो यार करना पड़ेगा, क्योंकि यार हमारे लोगों का इंसानियत बहुत ही अच्छा है उन लोगों से, ठीक है। तो चलो यार, वीडियो मतलब यार कैसा लगा कमेंट करना। और मतलब यार पाकिस्तानी मतलब ऐसा रहा टी वी मत तोड़ो, ठीक है, क्योंकि यार एक टी वी बहुत ही महंगा आता है भाई। पाकिस्तान में तो बहुत ही महंगा आता है, हमारा तो इधर में मतलब एक भिखारी भी मतलब एक टी वी खरीद सकता है, स्मार्ट टी वी, ठीक है। तुम्हारे उधर में मतलब एक टी वी खरीदने के लिए मतलब यार 10-15 साल मतलब यार भूखा रहना पड़ेगा भाई। ऐसा मत करो, ठीक है, खेल खेल में पास प्लेलिस्ट में रखो, टीवी मत तोड़ा करो, ठीक है यार। तुम लोग तो जानते हो यार, बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। देखो यार, हाँ मतलब यार तुम लोगों का पैदा किया है, तो भाई थोड़ा बाप के ऊपर तो तुम लोग जा नहीं सकते। और हमारा पड़ोसी राज्य जो बांग्लादेश है, वो लोग तो मतलब ऑल टाइम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है, इंडिया को तो कभी सपोर्ट नहीं करता है। वो लोग अभी फिलहाल इंडिया के ऊपर मतलब बुरा भला बोलना शुरू कर दे। अभी फिलहाल इंडिया मतलब यार बाप है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का, तुम लोगों दोनों को मारेगा, ठीक है, पीछे से अच्छे से, ठीक है। मजा लेते रहो, ठीक है। अरे तेल का जरूरत है तो भैया हमको फोन करने का, हम मतलब तुमको अच्छा तेल भेज देने का, हाँ देसी तेल। शुरू से ये आदत है, पाकिस्तान जब भी भारत के साथ खेलता है तो हमारी नाक कटवा दे, कट जाती है। रोहित शर्मा छक्का फिर चौका। मैंने कहा बेटा बंद कर दो मैच, इससे ज्यादा हम देख नहीं सकते, बस। वो लगा के रखना, हम लोग मतलब यार लंबे चीज़ लेके घुसा देंगे तुम्हारे पिछवाड़े में। तो चलो यार, वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे तरह का बात सुनने के लिए धन्यवाद। और भैया पाकिस्तानी हो, तुम लोग क्या किया यार, जाके थोड़ा चड्डी खुल के ना मुंह पोछ लो सही से, मज़ा आ जाएगा।
अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कोचिंग में है? डिस्प्लेसन में सर, अभी अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। डिस्प्लेसन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्लेसन यानी कि डिप्रेशन में है, शुक्र में नहीं अबॉर्शन में नहीं है, बोले। इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा यह है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं, वो कल मैच देखे ही ना, तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा। रुको जरा,